नाकोड़ा जी के बारे में बहुत सुना, लेकिन आज मुझे पहली बार उनके लिए गाने का मौका मिला। तो मुझे एक इट्स लाइक यू नो आई हैव गॉट अ गुड एनर्जी जब मैं गा रही थी। तो जैसा कि उनके बारे में जिस तरह से बताया था, जिस तरह से वर्णन किया गया है, तो वो एनर्जी, वो वाइब्स ऐसा फील हो रहा था कि इस भजन में है और वो मुझे फील हो रहा था। सो उनको ध्यान करते हुए उनको नमन करती हूँ, और मेरा सौभाग्य होगा कि आगे भी मैं उनके लिए और भी भजन गाऊँ। आपके लिए बहुत बहुत बधाई इस फिल्म के लिए। जो सब्जेक्ट आपने लिया है बहुत ही अच्छा है, और मुझे गा के बहुत अच्छा लगा। वैसे तो गाने होते रहते हैं प्लेबैक के लिए, फिल्म्स के लिए, दूसरी भाषाओं के लिए, बट राजस्थानी में एक अलग ही मज़ा है गाने का। एक अंदर से एक खुशी मिलती है गाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। से एक वो था क्रेज की एक छोटा सा पिक्चर भैरू जी के लिए बनाऊंगा और सोचा और ऐसा बनाऊंगा कि मतलब पूरे बॉलीवुड को रीजनल फिल्म में लेके आऊं। तो मतलब कुछ ऐसा मजा आएगा कि जो राजस्थानी फिल्म ऐसी बनेगी, तो वो हिसाब से एक सोचा था। इट्स अ ब्यूटीफुल गरबा सॉन्ग, और मैं चाहूंगी आप सभी ये मूवी जरूर देखें, इसके एल्बम सुने, और चाहूंगी कि सभी जैन धर्म प्रेमियों से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे द्वारा गाया हुआ भजन आप सभी को बहुत पसंद आए, आप सभी ज़रूर सुनें। मैं खुशबू जैन आप सभी से निवेदन करती हूँ। थैंक यू।